हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही प्यारा सा स्टेप हेयर कट शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे लॉन्ग हेयर पे होने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, हेयर को गीला करके कोम करके टैंगल फ्री करने के बाद में ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड करके हेयर को हम सिक्योर कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम फ्रंट एरिया से कट करेंगे। बाकी ये जो बीच के हेयर बचे हुए हैं ना, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हाफ मून विद ए मल्टी स्टेप्स हम मिक्स करके कटिंग करने वाले हैं। कैसे करना है चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिड से इस तरीके से जो हमारा, तो ये पहला सेक्शन हमें डिवाइड करना है क्राउन एरिया से थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि ईयर टू ईयर मेन हमारा क्राउन पार्ट्स में आएगा, तो उससे हमें थोड़ा सा नीचे से लेना होगा। और हम डिवाइड करेंगे सी सेक्शन, जिसे कि हम बोलते हैं हाफ मून हेयर कट। तो ये पहला वाला जो लेयर है वो होगा हाफ मून कटिंग, और उसके बाद में हम ए लाइन डिवाइड करते हुए किस तरीके से इसमें मल्टी स्टेप्स डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यही हमारी गाइडलाइन बनेगी पीछे के हेयर के लिए, और इसी को फॉलो करते हुए पूरे हेयर कटिंग को कंप्लीट करेंगे। और इसको जो है 90 डिग्री एंगल पे इस तरीके से मेजर करेंगे। मिरर में आप देख सकते हैं सामने दिख भी रहा है, हैंड को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ओके, और उसके बाद में मेजर करते हुए इसको हम कट करेंगे। तो ये जो पहला सेक्शन हमारा कट हो रहा है, ये शोल्डर से थोड़ा नीचे मेज़र करते हुए मैं कट कर रही हूँ ताकि लेंथ मेंटेन रहे। बाकी जो ईयर टू ईयर वाला सेक्शन है उसको मैं शॉर्ट करके कट करूँगी, तो वो हमारा चिन से लेके शोल्डर तक पहला स्टेप्स आएगा, और ये हमारा आएगा जस्ट सेकंड स्टेप्स के स्टार्टिंग से। फिर से एक बार रीचेक करेंगे और इसको जो है अच्छे से जो भी हमें हेयर अनइवन लगेगा उसको हम ट्रिम करके इवन कर देंगे और एक अच्छा फिनिश देंगे। तो ये हमारा पहला गाइडलाइन रेडी हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से टू पार्ट्स में ऐसा डिवाइड कर देंगे और कटिंग करने वाले हेयर के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो अब हम मैं क्या करूँगी कि यहाँ से ए सेक्शन डिवाइड करने वाली हूँ। तो पहले टू पार्ट्स में ऐसा डिवाइड कर लोगे तब आपको मेज़र करने में आसानी होगी, क्योंकि गाइडलाइन प्रॉपर हमें हर कट पूरे हेयर के साथ मिक्स करना है। तो यहाँ से हमें डिवाइड करना है ए सेक्शन। अच्छे से कोम करके प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा कि जो आपका ए लाइन है वो अच्छे से डिवाइड हुआ है कि नहीं। बीच वाले पार्ट्स को हम ऐसा छोड़ेंगे। अब ये जो साइड वाले हेयर बचे हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से साइड में खड़े होंगे और इसको हम धीरे धीरे नीचे से स्टार्ट करेंगे कटिंग, और ऊपर की तरफ हम डिग्री इंक्रीज करते हुए कट करेंगे। मैं डायरेक्ट इसको जो है 50 डिग्री पे स्टार्ट कर रही हूँ और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हेयर की लेंथ काफ़ी अच्छी है इनके, क्वालिटी वाइज भी हेयर बहुत अच्छा है। तो जिनके भी हेयर बहुत लंबे हैं और उनको लगता ना कि हमारे हेयर शॉर्ट हो जाएंगे, हम कौन सा अच्छा स्टाइलिस्ट कट लें, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एक से एक लॉन्ग हेयर पे मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर सी कटिंग वीडियोस अपलोड की हुई, ताकि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया लग सके कि आपका हेयर कैसा है और आप कौन सा कटिंग ले सकते हैं। वीडियो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेयर को देखिए मैं ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ। लॉन्ग हेयर में जब भी हम स्टेप्स डालते हैं ना तो ये प्रॉब्लम आती है, मतलब हेयर को ऊपर की तरफ ले जाना मतलब कोमिंग वाला काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमेशा अच्छे से जो है इसको सुलझाते हुए हेयर को लेके जाएंगे। इसको मैं डाउन की हूँ 95 डिग्री पे। आप देखिए लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसको आप 195 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब शॉर्ट पे करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट 90 बोल देते हैं। उसके बाद फिर से जो है यहाँ से गाइडलाइन के लिए हेयर को लेना है, कटिंग करने वाले हेयर के साथ में ऐसा मिक्स करेंगे और इसको भी सेम वैसे ही कर लेना। अगर आपको ऐसा नीचे से मेज़र करने में प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट ऊपर की तरफ ले जाके भी कट कर सकते हैं, लेकिन इससे होता क्या कि जो हेयर की एक्स्ट्रा लेंथ है वो कट हो जाती है, तो हमें भी थोड़ा सा ये रहता है कि नीचे से स्टेप्स स्टार्ट हो गया प्लस ना एक्स्ट्रा हेयर निकल चुका है, तो आपको कोमिंग करने में भी आसानी होगी। तो गाइडलाइन आपको रेडी करना है 90 डिग्री पे, और उसके बाद जो भी आप नीचे वाले हेयर को कट करोगे, ये साइड वाले जो भी मैं कर रही हूँ, इसको आप फिनिश करोगे 95 पे। तो 190 195, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि हम शॉर्ट हेयर पे करते हैं तो डायरेक्ट उसको 90 बोल देते हैं क्योंकि उसकी लेंथ कम होती है, और जब हम एकदम एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर पे करते हैं तो उसमें हमें जो है इस तरीके से डिग्री को इंक्रीज करते हुए समझना होता है। नहीं समझ आता डिग्री तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री के अकॉर्डिंग ही हेयर कट सीखें, आपको प्रॉपर ये समझना है कि मैं
हाथों का मूवमेंट कैसे रख रही हूँ, कितने पे डाउन करी हूँ और कितने पे कट करी हूँ। तो यहाँ पे इसको भी देखिए, मैंने जो है 95 एंगल पे डाउन किया सामने की तरफ और कट कर दिया। तो ये हमारा बीच वाला सेक्शन भी डन हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हेयर को लेंगे, आगे वाले हेयर के साथ में ऐसा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से सेक्शन अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो मैंने ये जो है ईयर टू ईयर सेक्शन जस्ट कान के सामने से लिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी सामने का हेयर थोड़ा छोटा है और थिकनेस वाइज हेयर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, मीडियम हेयर है। तो इस कटिंग के बाद काफ़ी अच्छा इसमें जो है वैल्यूम आने वाला है। तो आप क्या करें, जैसे कि चाहें तो 0 डिग्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 0 की नीड नहीं है। आप जैसे कि 45 या 50 या 55 डिग्री से स्टार्ट करें और इसमें कम से कम 3 से 4 डिग्री मिक्स कर लें, जैसे 55, 75, उसके बाद डायरेक्ट आप 195 पे डन कर देंगे। ये देखें, हेयर कट में बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, इस वजह से ना जैसे कि कोई रहता है ना वीडियो शूट करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे अभी आयुषी वीडियो शूट करे तो प्रॉपर आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। ट्राइपॉड पे लगाने पे ये प्रॉब्लम हो जाती है ना कि वो जगह जगह तो घूम नहीं सकता, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना हो जाता है, क्लाइंट को घुमाना, कटिंग करना इस टाइप से। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को प्रॉपर सारी चीज़ें मैं दिखा पाती हूँ और मैं पूरा एंगल शूट करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ भी छूटे नहीं। तो ईयर टू ईयर वाले सेक्शन को सामने की तरफ इस तरीके से लेके आएंगे और इसको पहले हम ऐसा बराबर कट कर देंगे। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट रख के कट कर रही हूँ, रीज़न ये कि ये वाला जो स्टेप्स अभी कट हो रहा है, ये हेयर इसमें जो फेदर लेयर भी मैं डाल रही हूँ, ये हमारा फेस लुक भी चेंज करेगा और बैक साइड में हमारा चिन से लेके शोल्डर तक पहला स्टेप्स आएगा। इस वजह से जो पीछे साइड से मैंने हाफ मून से स्टार्ट किया हुआ था ना, तो वो शोल्डर से नीचे से आना स्टार्ट करेगा और ये वाली हमारी शोल्डर तक जाएगी, ठीक है। तो परफेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा, क्योंकि जब वो शोल्डर के पास से स्टेप्स आना शुरू होते हैं ना, तो वो लुक में बहुत प्यारा दिखता है, लुक वाइज अच्छा दिखता है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेप्स नीचे ही चले गए हों, नहीं, प्रॉपर पूरे लेंथ में जो है हमें स्टेप्स देना होता है, वरना नीचे का लुक तो अच्छा लगेगा लेकिन ऊपर बहुत ही सिंपल सा दिखेगा। तो ये फर्स्ट में हमें जो है करना है फेदर लेयर कट और बाकी हाफ मून एंड ए सेक्शन मल्टी स्टेप्स, ठीक है। ए लाइन मैंने डिवाइड करते हुए कट किया हुआ था, उसके बाद हेयर को हाफ हाफ डिवाइड करके एक साथ में ऐसा ग्रिप करके इसको हम 1 स्ट्रोक लेयर कट डाल देंगे, ताकि एक अच्छी फिनिशिंग भी आ जाए और जो भी हमने इसमें स्टेप्स वगैरह डाले हैं उसकी मिक्सिंग भी हो जाए। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छे से स्टेप्स ऐड हो चुके हैं, तो अब हमें ज़रूरत नहीं कि इसमें हम सेक्शन वाइज इसमें लेयर स्टेप्स भी ऐड करें, ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको मैं 1 स्ट्रोक में एक हल्का सा रीचेक बस कर ली हूँ और जो भी स्टेप्स है उसकी मिक्सिंग भी हो गई है। इसको भी इस तरीके से कर लेंगे, सेम यही प्रोसेस इधर भी करना। मैं एक तरफ का ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, इधर का स्किप करूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। उसके बाद में क्या करेंगे, हेयर को हम पीछे के साइड में लेके जाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि इसमें जो कटिंग हुआ ना वो अभी ऐसा डीप थोड़ा सा वी कट में शेप दिख रहा है, तो वी कट का शेप नहीं रखना है। वो क्यों नहीं रखना मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ, क्योंकि हेयर नीचे तक काफ़ी लंबे हैं और थिकनेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है, मीडियम है। तो वैसे में ना हेयर नीचे से और पतला दिखेगा तो वो सुंदर लुक नहीं आएगा। हमें करना क्या है कि नीचे से हेयर को और अच्छा घना दिखाना है, क्योंकि लॉन्ग हेयर है तो एनी टाइम तो ये ओपन रखेंगे नहीं, ज़्यादातर हो सकता है क्लच करें या फिर ये पोनी बनाएं। तो इसमें ना हमें नीचे वाले हेयर को थोड़ा बैलेंस करते हुए कट करना होगा। सेंटर पार्ट्स को थोड़ा चौड़ा लेके बराबर कट करेंगे, सेकंड लेयर को थोड़ा हल्का तिरछा कट करेंगे, उसके बाद जो भी हम आगे के जैसे 3rd, 4th, 5th इस टाइप से लेयर लेते जाएंगे तो उसको हम थोड़ा डीप में तिरछा कट करेंगे और उसको सामने की तरफ रखते हुए ही कट करेंगे। तो इससे ना जो शेप है वो भी हमारा प्रॉपर जैसे हमने कट किया हुआ एग्जैक्ट वैसा रहेगा और नीचे से फिनिशिंग भी आ जाएगी, शेप में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होगी, दोनों तरफ एक जैसे कंप्लीट कर लेना है। इसलिए बोलती हूँ कि कटिंग देखने के साथ साथ मेरी बातों को भी आप लोग सुनते हुए चला करें, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से हमें प्रोसेस थोड़ा ना थोड़ा चेंज करना हो जाता है। यही अगर मैं घने हेयर पे करती तो मैं वी कट का शेप रहने देती, क्योंकि घने हेयर पे अच्छा लगता है, थिक हेयर क्वालिटी पे क्या अच्छा बाउंस रहता है तो वो सुंदर दिखता है। लेकिन जब मीडियम हेयर थिकनेस हो तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि जैसे 1 मंथ बीते और हेयर की लेंथ थोड़ी सी बढ़े तो वो एकदम पूंछ जैसा दिखे, नहीं, हेयर जितना बैलेंस रहेगा नीचे से उसका शेप उतना ही प्यारा लगेगा।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फ्रंट लुक पहले दिखा दे रही हूँ। काफ़ी अच्छे मतलब स्टार्ट हुए हैं, जैसे चिन से नीचे के से स्टार्ट हुआ और पूरे बालों पे फुल लेंथ, इसमें आपको लेयर स्टेप्स देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ कि ताकि आपको जो स्टेप्स का लुक मैंने डाला हुआ है वो प्रॉपर आप देख के समझ सके। मैं इनके हेयर पे थोड़ा सा आउट कर्ल्स की हूँ, अच्छा लगता है आउट कर्ल्स करने से, प्रॉपर हमारा जो भी कटिंग जो भी हम क्रिएट करते हैं वो अच्छे से दिखाई देता है। बैक साइड से क्लच करेंगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और मेन देखिए जो सेंटर पार्ट्स है, जो मैं बोलती हूँ ना निकल जाता है पूंछ जैसा, वो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा। और ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ में होती है ना कि कटिंग कराते हैं स्टेप्स और नीचे का हेयर एकदम बीच वाला बाहर भगते रहता है। तो जब अगर आप इस तरीके से करोगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट रहे तो मुझे इंस्टा पे DM करके आप लोग पूछ सकते हैं। इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, बाय एवरीवन।